सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल वन सेकेंड। मैं आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं चैनल ड्राइव मेनियक। तो आज हम वापस से आ गए हैं KTM के शोरूम में, जहां हम इस ब्यूटी को, जी हां, KTM ड्यूक 390 को वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। तो पहले शोरूम के डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं, आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं KTM द्वारका जी मैप्स का लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन पे, नंबर जो है आपको नीचे फ्लैश हो रहा है। एंड आपको KTM की कोई भी बाइक धनतेरस पे या फिर दिवाली पे चाहिए तो यहाँ आके इंक्वायरी या फिर एक बार फ़ोन करके इनके स्टॉक अवेलेबिलिटी को ज़रूर से पूछिए। फिलहाल देर ना करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो एक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको क्या करना है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि सबसे पहले अपडेट्स वहीं पे आते हैं। तो देर ना करते फटाफट से बाइक को आपको दिखाते हैं, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, बाइक भी इंतज़ार कर रही है, तो चलते हैं बाइक देख। दोस्तों ये है KTM की नई ड्यूक 390, जो कि ऑरेंज और ब्लैक शेड में, ब्लैक जो है वो कहीं कहीं ग्लॉस में, कहीं कहीं मैट में, एक प्रॉपर स्ट्रीट नेकेड वाली लुक जो है आपको मिली है यहाँ पे। आपको मैंने एक और वीडियो पे KTM ड्यूक 200 दिखाई थी, उसका लुक कुछ ऐसा है, इसका लुक कुछ ऐसा है। तो इसके जो DRL है वो थोड़े से चेंज किए गए हैं, जो कि हेडलाइट में इंटीग्रेटेड है नहीं, वो बाहर से फिट किए हुए हैं। एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट का जो है क्लस्टर वो यहाँ पे ऐसे मिलता है, एक प्रॉपर जो है वो अग्रेसिव लुक जो है इसमें निकल के आती है। एंड बात करेंगे इसके पावर के बारे में, तो वो है 46 PS का रॉ पावर आपको मिल जाता है, और 39 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको इस बाइक में मिल जाता है। जो खास बात है वो कि आपको इस बाइक में जो सस्पेंशन है वो राइट साइड में मिलता है, ना कि सेंटर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो है राइट साइड में है, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक में वो है, बेनेली 600i में ऐसे राइट साइड में शॉकर जो है दिया जाता है। तो ये एक प्रॉपर जो है स्ट्रीट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में आ सकती है। एग्जॉस्ट नोट आउट वोट मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, फिलहाल जो है बाइक जो है वो पैडॉक स्टैंड पे है, तो मैं इस पर चढ़ के आपको दिखा नहीं सकूँगा। बाकी जो सबसे अपडेट है वो है कि आपको इसमें क्लस्टर मिल जाता है, जो कि TFT के साथ है। इसका जो शुरुआत है दैट रेडी टू रेस, वो बड़ा ख़तरनाक सा है। बाइक में आपको मिल जाते हैं राइड मोड्स, जो कि है ट्रैक, रेन एंड स्ट्रीट, ठीक है। तो तीन आपको बाइक मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ABS के भी, रोड और सुपर मोटो। सुपर मोटो में आपका रियर व्हील में ABS जो है वो ऑफ हो जाता है, जो कि सेम KTM ड्यूक 200 में भी है। MTC दैट इज ट्रैक्शन कंट्रोल, वो ऑन ऑफ आफ कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही खास है चीज़। लॉन्च कंट्रोल आपको मिल जाता है, तो लॉन्च कंट्रोल अभी जो है वो 1000 किलोमीटर के बाद ही आपका अवेलेबल किया जाएगा, वो 1000 किलोमीटर तक लॉक्ड है। तो यही कुछ फीचर्स है इस बाइक में। बाकी आपको यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है बाइक इन्फो में, आपको जो है टेम्परेचर, बैटरी की वोल्टेज, ओडो, सर्विस रिलेटेड, फ्यूल रेंज, हर चीज़ आपको मिल जाती है। ये एक बहुत ही कूल वाला फीचर है, जो कि ये स्क्रीन है, जो कि ड्यूक 390 में, एडवेंचर 390 में सेम जो है स्क्रीन ये वाला, यहाँ तक कि 250 और 200 में भी अब जो है आने वाला है। ये जो स्क्रीन है इसमें आपको कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। माइंड कीजिएगा कि आपको KTM में अब जो है ड्यूक में क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है, तो क्विक शिफ्टर रिलेटेड यहाँ पे कंट्रोल्स भी आपको दिए गए हैं। शिफ्ट लाइट ये सब जो है आपको वो 1000
किलोमीटर के बाद ही अगर मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहूँ तो पूरा एक वीडियो भी बन सकता है। फिलहाल आज हम बात करेंगे बाइक के डिटेल्स पे। तो आपको लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे मिल जाता है एक हैजर्ड लाइट का इंडिकेटर, ये आपके जो है वो क्लस्टर रिलेटेड है, जो स्क्रीन रिलेटेड के कंट्रोल से यहाँ पे आपको इंडिकेटर का मिल जाता है, यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न जो है सेम है ड्यूक में हर बाइक में। राइट हैंड में ज़रा कुछ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आपका किल जो स्विच है वो कुछ ऐसे टाइप में है जो कि एक यूनिक चीज़ है। ये स्टार्ट बटन है, एग्जॉस्ट नोट सुनने के टाइम हम लोग देखेंगे। इसके मिरर्स जो है वो शायद से ये जो फ्रेम है ये डोमिनार के जैसे है, तो KTM और बजाज जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड इसमें आपको मिल जाता है एक ऑरेंज सीट, पीछे का सीट जो है वो ब्लैक है, एंड सीट जो है उसकी जो मतलब फिनिश है वो बहुत ही टॉप नॉच है। बात करेंगे इसके व्हील्स के बारे में, तो पहले पीछे का व्हील हम लोग देख लेते हैं। ये एक 17 इंच का टायर है जो कि एक बहुत अच्छे ब्रांड का है, दैट इज़ मेटजेलर, और ये एक प्रॉपर ट्रैक ओरिएंटेड टायर है। आप देख सकते हैं जो इसकी ग्रूविंग है ये बहुत अच्छी है। रियर में आपको ABS का यहाँ पे प्लेट जो है आपको दिख रहा है, बाइब्री की ब्रेकिंग आपको दी गई है। टायर साइज़ की हम अगर बात करेंगे तो वो है 150/60R17। ये है बाइक का एग्जॉस्ट, एंड ये कुछ ब्रेक का आपको लीवर दिया गया, ये थोड़ा सा और एक्सटेंडेड होता तो शायद से अच्छा होता। कूलेंट जो है आपको यहाँ पे दिया गया, ये आपका क्लच बॉक्स है, 390cc का आपको लिक्विड कूल्ड इंजन आपको मिल जाता है। फ्रंट टायर की अगर बात करेंगे तो ये भी जो है मेटजेलर का है, ये है 110/70R17, ठीक है। तो 17 इंच के आपको टायर यहाँ पे दिए गए। फ्रंट वाला डिस्क कुछ है कुछ ऐसा, तो ये आपको जो है यूनिक जो डिज़ाइन है आपको मिल जाता है ड्यूक 390 में। जो ये वाला डिस्क की प्लेट है वो इतनी सी है, तो ये थोड़ी सी जो है आपको पेटल डिस्क का फील आपको दे सकती है, लेकिन पेटल में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्रूविंग रहता है। तो एक बार फ्रंट से देख लेते हैं बाइक को, जो DRL के साथ बाइक की जो लुक है वो बहुत ही अग्रेसिव है। फ्रंट टायर जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो बाइक में एक प्रॉपर जो है आपको बीफी सा लुक आपको मिल पाता है। बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक के तो 15 लीटर्स का टैंक, और बाइक की जो क्लेम्ड माइलेज है दैट इज़ अराउंड 30-35, तो आपको इसमें 300-400 डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल आपको रेंज जो है मिल पाएगा। ड्यूक जो है वो थोड़ी सी हल्की है, वहाँ की डोमिनार जो है एक प्रॉपर हैवी है बाइक, तो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल सकता है आप अगर इसको प्यार से चलाएंगे तो 35-40 के बीच में भी आपको जो है माइलेज मिल सकती है। वैसे बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है वो आपको यहाँ अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑन रोड प्राइस के लिए आप जो है द्वारका KTM को ज़रूर से कॉन्टैक्ट करें, और इसकी जो स्टॉक है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप आके कभी भी जो है यहाँ पे बाइक को लिटरली देख सकते हैं। तो देर ना करते हैं, फटाफट से इस बाइक को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ है इसकी आइडलिंग पे साउंड, जो कि थोड़ी सी बेसी साउंड है, जहाँ 200 में थोड़ी सी वो जो है ट्रेबल वाली थी साउंड। एंड इसको देख सकते हो कि ओल्ड स्टार्ट है, यहाँ से बहुत अच्छा है जो नोट है वो आ रहा है। थोड़ा सा रेव कर सकते हैं क्योंकि बाइक जो है बिल्कुल फ्रेश है, ज़्यादा रेव नहीं करेंगे। तो एग्जॉस्ट इज़ वेरी नाइस, आपको प्रॉपर एक जो है बिग बाइक की फील आपको मिल जाएगी। बाकी बाइक आपको कैसी लगी, एंड ये शेड आपको कैसा लग रहा है, सिनेमैटिक्स जो है आपको कैसे लगे, वो सब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए KTM पे। और कौन सी बाइक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से शेड पे बाइक आपको चाहिए, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी जो है ख्वाहिश हम ज़रूर से पूरी करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और एक व्लॉग में, तब तक के लिए शहर को साफ़ रखिए, खुद का ख्याल रखिए, और हेलमेट ज़रूर पहनें।